अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और सुनाएं, रोजे आपके कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है कि सबके अच्छे गुजर रहे होंगे और सारे रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो हमारा घर में ही है, कुकिंग का ब्लॉग है, छोटा सा स्वीट बना रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। और स्वीट जो है वो सब खाते हैं, घर में कम ही बनाते हैं, लेकिन बाहर जब भी आप लोग जाते हैं तो वो स्वीट जो है आप लोग खाते हैं। ये देखें जी, हम बना रहे हैं डोनट्स। ये भी फ्राई हो रहे हैं, डोनट्स में शैलो फ्राई कर रहे हैं इनको, हल्के शैलो नहीं है, हल्के हल्के डीप फ्राई हो रहे हैं। और ये है इसका बैटर, जो उसने क्या क्या है बेगम? ये इसमें हमने मैदा लिया है और मैदे को जो है वो हमने दूध में और अंडे में गूंदा इस आटे को। कितने मैदे में कितना आटा? 1.5 कप हमारे पास मैदा था और उसमें हमने कितना दूध डाला? 1/3 कप। उसमें 1/3 जो है वो हमने मिल्क ऐड की है और 1 एग ऐड की है। तो पेज देखें, वो इस तरीके से हमारे पास बन गया। और अभी इसको जो है इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं। ये चेक करें, हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो गया इनका कलर। ये लेके आए हैं चॉकलेट और ये चॉकलेट अभी हम मेल्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर कोटिंग करेंगे हम। ये देखें, ये निकाल लिए, ये कलर चेक करें आप इसका, बिल्कुल लाइट हल्के से ब्राउन हो गए, येलो सा कलर हो गया। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। और ये पानी गर्म हो रहा है हमारे पास, इसमें अभी हम चॉकलेट जो है उसको मेल्ट करेंगे और फिर आगे इनके ऊपर ये चेक करें, इनके ऊपर हम इनको कोट करेंगे। अभी ये मैं बेलता हूँ एक और आपको फिर दिखाता हूँ बेल के इसमें। हाँ, सबसे मेन चीज़ जो है वो हमने बेकिंग पाउडर में मिलाना ताकि ये थोड़े से फ्लफी और गोल जाए। वो देखें आप, वो छोटे छोटे जो हैं बीच में निकाले वो कितने गोल गोल हो गए। अभी ये मैं इसको बेलता हूँ। ये पेड़ा हमने बेल लिया क्योंकि हमारे पास कटर नहीं है, तो हम इसको कटोरी की मदद से काट लेंगे। ये चेक करें, ये काट लिया हमने और इसको फिर ये छोटे वाले इससे काट लेंगे। ये चेक करें, और ये हमारे पास फाइनल डोनट जो है उसकी शेप ये बन गई है। अब ये हमने बना लिए, अब इसको डालते हैं हम इसमें। ये देखिए, और ये बिल्कुल हल्दी आँच पे फ्राई करेंगे इसको ताकि जो है वो जले नहीं और हल्के हल्के तरीके से वो हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। कलर चेक करें इसका, कलर येलो शो हो रही है। और आपने इसमें जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ लेना, न्यू ऑयल लेना, यानी कि इस्तेमाल ऑयल नहीं लेना वरना उसका टेस्ट आएगा। ये चॉकलेट है, इसको भी मेल्ट करने लगे हैं, थोड़ा सा इनका दूध डाल दूँ इसमें क्योंकि ये ना मेल्ट नहीं हो रही सही तरीके से। तो अभी इसमें चॉकलेट में दूध डाल दिया, इसको मैं थोड़ा ओवन में रखता हूँ, ओवन में रख के इसको फिर निकाल दूँ और फिर आपको फाइनल दिखाता हूँ कि ये हमारे पास क्या बनेंगे फाइनल आएंगे लोग। और ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। और दूसरा ये कि चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट कर ली है, अब ये चॉकलेट हम उसके ऊपर लगाएंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये रेंज नाइस। फाइनल लुक आई है
शादी इधर देखो जरा, ये इसके लिए बनाया, बच्चे के लिए बना। कैसे बनाया? अच्छे अच्छे। ये देखें, ये फाइनल लुक है। आगे बताओ जरा क्या करना है चैनल को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हो गए, अब मैं खा के टेस्ट करता हूँ कि अच्छा भी बनाएंगे नहीं बना। मुझे उम्मीद है कि अच्छा बना होगा। अच्छा बनाया भैया, आप भी घर पे ट्राई करें, बनाने में आसान है, खाने में तो उससे ज़्यादा आसान है। अगर अच्छे बने तो ये अच्छे बने। और चैनल सब्सक्राइब करें, और रेसिपी किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके या कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। बाय बाय।